यहाँ से सीधा, यहाँ से वो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? हम तो यहाँ पे एकदम ठीक है। बहुत दिनों बाद वीडियो बन रहा है क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई है जो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूँगी। और फाइनली हम लोगों ने घर जो है वो चेंज कर लिया है, बराबर? यस। तो हमारे मन जैसा हमको घर मिल गया है। मन जैसा इन द सेंस कि हमारी जो इच्छा थी कि हमें वैसे घर मिल जाए तो वैसे हमें मिल गया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगी और फिर घर जाके आपको घर का पूरा 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 घर का टूर कराऊंगी कि कैसा है हमारा आज नया घर हमारा। तो चलो मिलते हैं आगे आगे आपसे। गाइज, इतने दिन वीडियो नहीं डालने का रीज़न था कि हम लोग घर मूव कर रहे थे और वाईफाई भी, मैंने बीटी का जो वाईफाई लिया है वो मूव करने के लिए उन लोगों ने ऑलमोस्ट एक हफ्ता लिया। तो कल जाके हमारा वाईफाई चालू हुआ है, तो हम लोग जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है वो एक साथ अपलोड करेंगे। इवन हमारा बेलफास्ट मेला का जो वीडियो है वो रेडी है, डाला ही नहीं है लेकिन, बट अभी आज एंड ऑफ द डे या कल सुबह तक, मुझे संडे को आपको बेलफास्ट मेला का वीडियो देखने मिलेगा। उसके बाद ये जो आज रिकॉर्ड हो रहा है वो देखने मिलेगा। तो आप वेट करिए और आज से हम लोग कंटिन्यूस व्लॉग करेंगे। लेकिन एक और चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियोस को आप लाइक कर नहीं रहे, कमेंट कर नहीं रहे हो तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता। तो आप करोगे तो अच्छा है, आपका तो कुछ जाएगा नहीं। या तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक कर दो, सब कर दो, जो करना है जो जो हो सकता है आपसे फ्री में सब कर दो, लेकिन कर दो प्लीज़। व्यूज ही बहुत कम होते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन व्यूज ही नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा है वीडियो, पता नहीं क्या हो रहा है। तो प्लीज वीडियो देखिए, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो जैसे गाइस मैंने वीडियो में बोला था, शिफ्टिंग का काम चालू है और ये है हमारे घर की हालत अभी नए वाले घर। मत दिखाओ, जब घर पूरा सेट हो जाएगा तभी आपको दिखाऊंगी, मैंने बोला था इनको। लेकिन हमारे पति देव को बहुत बड़ी घाई है कि सब दिखाओ सब दिखाओ, तो ये सारा जो है फैला हुआ वो मुझे ही करना है एज इट इज। घर मत दिखाओ यार, घर मत दिखाओ। तो सब अनपैकिंग चालू है, सब सेट कर रहे हैं अभी के लिए, मैं ज्यादा नहीं दिखा था। प्रज्ञा बोल रही मत दिखाओ, सब साफ सफाई करके हम लोग पूरा पैक कर देंगे फिर हम आप आगे का दिखा देंगे। प्रज्ञा ही दिखा देगी, मेरे को इतना टाइम नहीं रहता है, पूरा ब्लॉग वही करेगी, पूरा घर ढंग से दिखा देगी। बहुत सारा सामान हम लोग ने नया लिया है। और गाइस, बहुत लोगों का ना अकोमोडेशन के लिए मुझे पिंग आ रहा है, भैया रहने के लिए कुछ हो सके तो देखो, बेलफास्ट में देखो, आउटसाइड बेलफास्ट में भी देखो, जिधर हो सकता है उधर देखो। इतना लास्ट मोमेंट पे अकोमोडेशन यहाँ पे मिलना बहुत टफ है। मैं आपको पहले से बहुत सारे वीडियो भी बनाया हूँ मैं कि यहाँ पे आना है तो कम से कम एक दो महीने पहले पूरी प्लानिंग करो यहाँ पे रहने की। बट अभी बहुत सारे पिंग आए हैं, बट मेरे को बहुत टफ जा रहा है अभी सबको हेल्प करने या किसी के लिए कॉल करके, यू नो, कुछ तो मैनेज करने के लिए, बिकॉज मैं अभी पूरे मेरे शिफ्टिंग में बिजी हूँ। बट जैसे ही मेरे को कुछ टाइम मिलता है, मैं जिसको जिसको हेल्प कर सकता हूँ मैं कर लूँगा। मेरे को कुछ इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, मेरा फालतू का टाइम बहुत जाता है लेकिन ऑनेस्टली, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल के ना किसके इसके लिए अकोमोडेशन ढूंढता हूँ और हेल्प करता हूँ। जैसे मैं मेरा शिफ्टिंग में फ्री हो जाऊंगा मैं पक्का सबको रिप्लाई बैक करूंगा और जितना हो सके हेल्प करने का ट्राई करूंगा, ठीक है? हमारे घर का जो टूर कराऊंगी मैं, तो अभी मैं आपको घर का टूर कराऊंगी और मुझे बताना कि आपको घर कैसा लगता है। तो चलो आओ देखते हैं घर। पहले तो यहाँ से एंट्री है और एक है जो बाहर से भी रोड आता है, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो ये है हमारे घर का मेन एंट्रेंस, यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे है बेल, यहाँ पे है हमारा डोर, जैसे ही खुलता है यहाँ पे ऐसे पैसेज है। पैसेज के पास एकदम आप राइट पे जाओगे तो यहाँ पे दिया गया है वॉशरूम, जो कि बहुत अच्छा है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है वॉशरूम, क्लीन एंड नीट है। उसके बाद सीधा हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है लिविंग रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा है बट अच्छा है, एकदम बोल सकते हो आप यार पॉश है। तो ये जो सोफ़ा है हम लोगों ने लिया हुआ है,
उसके बाद ये छोटा सा कॉर्नर टेबल, ये भी हम लोगों ने खुद से लिया है। पूरा घर ब्लैंक था और यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है उन्होंने। अब बोलोगे कौन सा दरवाज़ा है, दरवाज़ा नहीं, यहाँ पे स्टोरेज दिया, तो हम लोगों ने सारे हमारे लगेज वगैरह रख दिए हैं। और लिविंग और किचन दोनों भी अटैच है। यहाँ पे डाइनिंग दिया है, डाइनिंग उन्होंने ही दिया था हम लोगों को। किचन इतना क्लीन है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद सीधा अगर आप बाहर जाओगे, यहाँ पे एक डोर दिख रहा है आपको, यहाँ से हम लोगों को बैल्कनी दी है, अच्छी खासी बैल्कनी है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सामान का बॉक्सेस है तो वो मुझे एडजस्ट करना है। यहाँ पे हमारी साइकिल वगैरह रखी है। और यहाँ से है बाहर का पूरा, ये पूरा अपार्टमेंट है, पूरा अपार्टमेंट है ये। मैं बाहर जाऊँगी तो आपको पूरा दिखाऊँगी किस तरीके से है। फिर हम जाएंगे बेडरूम, और ये जो है वो 2 BHK नहीं है, ओनली 1 BHK का हम लोग को अपार्टमेंट मिला है। तो अब यहाँ से सीधा, यहाँ से हो गई एंट्री, ये वॉशरूम। यहाँ पे ऑरेंज मतलब यहाँ पे पूरा बॉयलर का सिस्टम है ये वाले दरवाजे में। और ये रहा छोटा सा हमारा बेडरूम, यहाँ पे स्वप्निल एज इट इज काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा वार्डरोब दिया है उन्होंने, स्लाइडिंग वाले डोर ऐसे, तो वो ड्रॉप है। और यहाँ पे प्रनील सोया है क्योंकि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसको फीवर है, कोल्ड है, तो मैंने उसको सुला दिया है। तो ऐसा छोटा सा हमारा घर है। तो घर कैसे लगा, कैसा लगा कमेंट करके बताओ, कुछ तो करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसी वीडियो आते रहेंगी। और प्रज्ञा बड़बड़ाती रहेगी, मैं ज्यादा नहीं बोल पाता जितना जैसे प्रज्ञा बोल पाती है। तो कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज बड़ी न्यू के। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने साथी को हमेशा खुश रखिए, और अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार कीजिए गाइस। बाय बाय।